सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो आज अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। बेसिकली मुझे कुछ काम है और वो मैं रास्ते में बताता हूँ कि क्या काम है। हम एक नई चीज़ की और शुरुआत कर रहे हैं साथ में, तो उसके लिए थोड़ा सा काम है। और बाकी प्रिया को छोड़ के आएंगे, क्योंकि प्रिया जो है कल परसों दोबारा आएगी आकाश के साथ, क्योंकि इसके कपड़े वपड़े सब वहीं हैं और अब यहीं रहने वाली है। अब तो ये जब तक डिलीवरी वगैरह का जो भी होगा टाइम, उससे तब अब यहीं रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद भी यहीं रहेगी क्योंकि है ना। तो बाकी चलते हैं। सेवन जी नहीं जा रही है क्योंकि मेरे साथ जा रहा दिव्यांश, और दिव्यांश के साथ मम्मी भी जा रही है क्योंकि उनकी ट्रेन है दिल्ली से, तो वो भी आंटी भी हमारे साथ जाएगी। तो चलो चलते हैं। और रो रहा है क्योंकि भाई बुआ जा रही है। खोलो, दे दो बुआ, दे दो, खोलो, खोल दे। बाय कर दो, चलो बाय कर दो। टाइगर पिट्टी करके आ रहा हूँ, टाइगर। सोना शुरू कर दिया उसने। अब सीख गई है वो। पता है कैसे आई है? अंदर ना खेल रही थी और भागी भागी आई, मम्मी 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 करती, भागी भागी चली आई। चलो भाई दिव्यांश को लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो भाई अभी प्रिया को भी छोड़ दिया है, आंटी को भी छोड़ दिया है, और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। ये है यहाँ प्रीत विहार, और हमें अभी यहाँ से जाना है चांदनी चौक। इस वाले एरिया में तो बहुत दिन बाद आया हूँ, नहीं तो पहले यहाँ पे हम डेली का ही आना जाना था। 2014 में यहाँ पे मैं कोचिंग वोचिंग के लिए आता था, रहा भी हूँ मैं लक्ष्मी नगर 2-4 महीने। तो ये वाला एरिया काफी डेवलप हो गया, मतलब बहुत अलग सा लग रहा है क्योंकि लगभग 10 साल हो गए। 10 साल बीच में आया हूँ एक दो बार कभी, पर अभी तो 4-5 साल से तो आया नहीं था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके भाई आ चुके हैं चांदनी चौक। यहाँ से लगभग हमें चलना है 1.8 किलोमीटर। आज वैसे इतनी भीड़ नहीं लग रही, फिर भी यहाँ पे भीड़ फुटपाथ उस पर मिलती है ना, इस पर। शॉपिंग कर लिया, अब ये चल रहा है। कैसी है? बेकार मतलब मैं कह रहा था तुझसे। क्या लेने आए हो यहाँ पे तुम लोग? ये इधर का जा रहे थे, इधर का जा रहे थे भाई। मनी प्लांट। रूरू व्हाट्स योर नेम? रूरू आकाश लगवा लो। नो रूरू व्हाट्स योर नेम? रूरू। अच्छा, बोला मम्मी पापा रूरू से जादू कर। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? रूरू रूरू आपका नाम? रूरू मुत्तुस्वामी। ए मुत्तुस्वामी ऐसे बोलते, अयो आडू। अरे आडू नहीं, बोलो बोलो अयो। अयो 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 अयो। ये कौन सी है? भेड़ा। भेड़ा भेड़ा मैं तो पहली बार नाम सुना है इसका, जड़ी बूटी का। ये क्या है? अर्जुन 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 की छाल हो गई है। खाली पानी में उबाल के भी पियो तो मन में पीते हैं। ये काढ़े वगैरह में भी डालते थे लोग।
मकोए मकोए ये तो ऐसे लग रही है काली मिर्च सी। अलग से खुशबू आती है जड़ी बूटी से। सारी ऐसे लग रही है तो कुछ कुछ तो देख इसमें इसमें भी ऐसे है ना ये बीज से जो है। ये क्या ये है? हरीत की रीट हरीत की हरीत की हरीत की ये बड़ी इलायची जैसी है। हरीत की सरफों का सरफंका मैं बहुत सारे नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ये क्या है? चित्रक मूल चित्रक मूल चित्रक मूल ये बंद करते जाऊँ खुले छोड़ने बंद कर दे। ये तो बिल्कुल इसमें ऐसे लग रही है उसकी आम उसकी नहीं होती आम की लकड़ी शिवलिंग के बीच वो किस लिए काम आता है? शिवलिंग के बीच कौन से ये भाई अपनी फैक्ट्री चलो चले बाकी अंदर है इसमें सारा काम अंदर चलता है। अच्छा लगता है वैसे यहाँ पे ऐसे फैक्ट्री में मस्त आराम से बैठ रहे हो खुले खुले में सारा काम अंदर लेवर अंदर काम करती रहती है उसमें बहुत बढ़िया है। तुम्हें ऐसे लग रही है कि हद है ये कम से कम जितना ये एरिया है इससे तीन से चार गुना एरिया है इसमें अंदर पूरा जो बिल्ड बना हुआ है जिसके अंदर पूरा काम चलता है ये तो हाँ एक बीघा के करीब तो है ऐसी है 800-900 उसके गज के करीब 800-900 गज के करीब है। सो भी आप ब्लॉग में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ देख रहे हो हम चांदनी चौक गए हैं वो सब चीज़ें देख रहे हो तो अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा भाई हो क्या रहा है क्या करना चाह रहे हो क्या दिखा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो बेसिकली ये है कि अभी हमने एक नई एक जो है कंपनी स्टार्ट की है। सो बेसिकली ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट जो है उनके ऊपर काम करेगी जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं साथ ही साथ जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर भी काम करेगी। तो अभी सबसे पहले तो हम जो है एक सबसे पहले एक प्रोडक्ट निकालेंगे लीवर से रिलेटेड होगा जो लीवर डिटॉक्स और उससे रिलेटेड होगा। सो वो हम करने वाले हैं पूरी तरीके से आयुर्वेदा पूरी तरीके से जो है नेचुरल होगा कोई इसमें केमिकल या कुछ भी नहीं होगा किसी भी हमारे प्रोडक्ट में और हाँ सिर्फ जड़ी बूटियाँ होंगी और हम जो है मतलब बोलते हैं कि हीलिंग पे काम करेंगे ढंग से जो चीज़ों को रिपेयर कर सके सही कर सके क्योंकि जड़ से बेस जड़ से खत्म करें इंस्टेंट आराम वाली चीज़ है। हाँ तो उन्हीं पर हम जो है साथ में काम कर रहे हैं। तो दिव्यांश के आप तो आपको पता ही होगा जो दिव्यांश है मेरा दोस्त है सो उसकी फैक्ट्री है काफ़ी टाइम से 20-25 साल लगभग से वो काम करते हैं आयुर्वेदिक की उनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी जो है वो ही करते हैं। तो मैंने कहा कि ये अच्छा है बल्कि उसके पास इस चीज़ की एक बोल सकते हैं कि भाई एक्सपर्टीज है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग की तो और हम लोग साथ में मिलकर कर सकते हैं। मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ भी करता हूँ मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया होगा मैं बहुत सारी चीज़ें जो है नॉर्मल डायरेक्टली आता था तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ तो मैंने कहा जब मैं यूज़ करता हूँ हाँ तो मैंने कहा हमें फ़ायदा होता है तो मैंने कहा यार ये सही है कि हम इसमें और थोड़ा सा इसको और उनसे अंकल के साथ बात करके थोड़ा और अच्छा करके इसमें और उसकी टेस्टिंग वगैरह करके हम उसको जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो वही हमने स्टार्ट किया है और जो जल्दी इसको हम एक महीने के अंदर हम सोच रहे हैं कि लॉन्च कर देंगे तो अभी उस पर पूरा काम चल रहा है और आई होप काफ़ी काम बाकी हाँ और अभी एक प्रोडक्ट आएगा उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें आने वाले हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक जो है खाने की चीज़ों के ऊपर भी बहुत सारे जो है सोच रखा हमने के काम करेंगे क्योंकि भाई आपको पता है हमारा गाँव है तो वहाँ पर भी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि वहाँ से कुछ गाँव से हम डायरेक्टली खुद ही कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें अपने खेतों से और उसको हम डायरेक्टली आप तक पहुँचा पाएँ। तो कई सालों से सोच रहे तो ये सब चीज़ें लगभग मैंने 2-3 साल तो हो गया हम इस पर काम कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्टिंग करें तो अब फाइनली हम जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले आयुर्वेदा के जो है प्रोडक्ट वो हम आप तक पहुँचाएंगे उसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे और आई होप सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। जैसे ये साड़ी वाला जो काम है ये हमारा बढ़िया चल रहा है और आप सब लोगों ने सपोर्ट किया तो वैसे ही मुझे लगता है कि हम ये वाला जो काम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें भी सब लोग सपोर्ट करेंगे और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। सो सही है बाकी बढ़िया चलो और बस यही था मैंने बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए ना क्या कर रहे हैं क्या कर रहे थे इसमें भी बिजी चल रहे थे तो ये दो अभी जो है इसलिए व्लॉग भी थोड़े से डिले अभी हो रहे हैं क्योंकि काम बहुत होता है भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत कुछ देखना पड़ता है बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं फिर रजिस्टर भी करानी पड़ती है कंपनी वो सब चीज़ें लग रहा और फिर दवाई वाला काम थोड़ा ऐसा होता है कि भाई तुम उसमें कोई भी कहीं भी गलती नहीं कर सकते लापरवाही नहीं कर सकते उसमें तुम्हें हर एक चीज़ बिल्कुल ऑन पॉइंट और एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर चाहिए क्योंकि तुम्हें हर चीज़ का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है भाई तुम्हें ड्रग डिपार्टमेंट में जाके भी अपनी जो दवाई है उसको वेरिफिकेशन जो है वेरीफाई कराना पड़ता है वो पूरा अप्रूवल देते हैं उसको उसके बाद ही तुम सेल कर सकते हो तो वो सब चीज़ें होती हैं बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में तो उस पर अभी तक हम काम कर रहे थे और इस वजह से थोड़ा सा
तो हाँ, और बस ठीक है, अब से जो साड़ी वाला यात्रा काम है वो सेवन के ऊपर कर दिया है, सब टेक्निकल चीजें डीवी ने कर दी है। हाँ, तो अब बाकी जो ऐसे वाला चीज है वो सब सेवन संभालेगी उसको, और मैं अब पूरी तरीके से इस वाले काम को जो है बिल्ड करेंगे, जो आयुर्वेदा वाला जो हम सोचे कंपनी का नाम हमने सोच लिया, पर जल्दी आपको मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, पर जल्दी आपको उसका नाम भी बताऊंगा कि हमने नाम क्या रखा है, नाम काफी अच्छा नाम है उसका, सो आपको पसंद आएगा वो। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सो जैसे बोलते हैं, सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। अभी नमस्ते, अलविदा, टाटा, बाय बाय आर चैनल। ओके खुश, चलो अभी ये भी वीडियो बना रही है अपनी, इसलिए इतना तैयार होकर बैठी हुई है, मैं ऐसे बैठा हूँ, ये अपनी दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना रही है, आज हम सुबह जल्दी जागे थे ना, सुबह से नींद भी आ रही है। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस पर भी हम डेली व्लॉग अब लाते रहें, तो कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही हैं, तो थोड़ा सा आगे के पीछे हो रहा है, एडजस्ट कर लेना, बाय।